नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हर रोज़ की तरह इस बार भी हम बात करने वाले हैं 3 जून के करंट अफेयर के बारे में। इसमें हम लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन लेते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आइए बात करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, हरीश सुधार कौन थे? तो दोस्तों, ये राजस्थान के लोक नर्तक थे। मैं आपको बता दूं, इनका भी कार एक्सीडेंट में इनका निधन हो गया है। तो हरीश सुधार, इनको क्वीन हरीश भी बोलते थे, ठीक है। तो काफ़ी बड़े राजस्थान के लोक नर्तक थे, तो आपको याद होना चाहिए। खास करके राजस्थान के स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों, एक क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है दूसरा, कि जून माह में कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी बन गई? तो दोस्तों, ONGC बनी है और उसने IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, उसको पछाड़ कर ये ONGC ऑयल नेचुरल गैस, तो ये जो कंपनी है ONGC, ये दोस्तों सबसे ज़्यादा मुनाफे कमाने वाली कंपनी बन गई है। नेक्स्ट है, नेमार कौन है? तो दोस्तों, नेमार ब्राज़ील के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, काफ़ी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। लेकिन दोस्तों, इन पर यौन शोषण का आरोप लगा है, इन पर रेप का आरोप लगा है, लेकिन उन्होंने इसको खारिज किया है। तो आपको याद होना चाहिए नेमार कौन है। एक तो फुटबॉल खिलाड़ी हैं, कहाँ के हैं, ब्राज़ील के। डेनिल लेसिंग को कौन है? तो दोस्तों, ये रूस के खिलाड़ी हैं, इन पर और ये इन पर दोस्तों क्या है, डोपिंग के मामले में फंसे हैं। यानी कि डोपिंग में दोस्तों कुछ ड्रग्स वगैरह रहते हैं, जो कि जो खेल की जो बड़ी संस्था रहती है, उन्होंने बैन किए रहते हैं। यदि कोई खिलाड़ी इनका सेवन करता है तो उस पर बैन लग जाता है। तो इस कारण से रूस पर भी दोस्तों 2020 के जो ओलंपिक होने वाले हैं, उन जो टोक्यो में, उस पर भी रूस की पूरी टीम ही बैन ना हो जाए, ऐसा कुछ आशंका जताई जा रही है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश ने किस देश के खिलाफ सबसे बड़ा अपना स्कोर बनाया है? यानी कि दोस्तों, बांग्लादेश ने क्रिकेट में अभी 330 रन का स्कोर बनाया, जो का उसका वनडे में सबसे बड़ा स्कोर है। तो दोस्तों, ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों मध्य प्रदेश के स्टूडेंट के लिए, खास करके मध्य प्रदेश के किन मंदिरों का 3D मॉडल बनेगा? तो दोस्तों, ये इससे क्या होगा, इंटरनेट पर भी लोग इन्हें सही से देख पाएंगे और इनका आनंद ले पाएंगे। तो ये खजुराहो में बनेगा। खजुराहो के जो मंदिर हैं दोस्तों, चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाए थे, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और छतरपुर में हैं ये, तो मध्य प्रदेश के छतरपुर में। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप